अब उन्होंने समझा कि भाई अब तो हमने पूरे एक साल के लिए अपनी हुज्जत कायम कर दी, तो मैं आप लोगों से खास तौर से तमाम ही अफराद से और जो खास तौर से जो गैर आर्मी थे या अभी नहीं जानते हैं वो कोशिश करें, कोशिश कई तरह की हो सकती है। एक कोशिश ये होती है कि सीनियर एज में हम कुरान नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर उस उनके इर्द गिर्द अपने खानदान में बेटे भतीजे पोते नानी या पड़ोसी में तो कुरान सीखने के लिए कोई ऐप की बात नहीं है कि वो पड़ोस के किसी बच्चे को बुला दिया उससे कहते हैं कि भैया तो कुरान पढ़ते हैं और आप डायरेक्शन करते जो ये आप लोग फैसला ज़रूर करें दिल में कि भाई आप ज़रूर कुरान पढ़ें, जितना दो भी नहीं क्या पता, जितना भी पढ़ सकते हैं छोट चंद आयतें ही सीख सकते हैं, सेहत के साथ पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा जो अरबी सही तौर से यानी कुरान सही तौर से पढ़ लेते हैं और वो जो भी जबान चाहे उर्दू जानते हो तो तर्जुमा की आदत जरूरी है, चाहे जितना भी पढ़े एक पारा पढ़े आधा पारा पढ़े एक रूप पढ़े उसका तर्जुमा जरूर करें और तर्जुमा कम से कम दो दफ़ा पढ़ें, एक दफ़ा में आप पूरी बात समझ नहीं सकेंगे क्योंकि तर्जुमा के असलूब वगैरह वगैरह और क्योंकि पूरा अगर तारीखी बैकग्राउंड पीछे नहीं है तो समझने के लिए धीरे धीरे चुप भी होती है, तो ये दूसरा काम है। और जो उलमाए कराम हैं या जो मदारिस के फारिग हैं उनसे खास तौर से हमें कि कुछ ऐसी सूरत को ज़रूर मुंतखब करें जो इस ज़माने में के लिहाज से मुझे जैसे लगा ये जो पूरा मैंने सूरत में पढ़ी है वो लगता है जैसे आज के लिए ना सही, तो कम अज़ कम वो ये कोशिश करें। और जैसे हमारे यहाँ हर हफ्ते एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें कि ऐसी सूरत को कुछ मुंतखब कर लें जो साल भर के दर्स में काम आए और जिसे हमको हमेशा सिर्फ कुरान का जहाँ से भी दर्स शुरू करें लेकिन हमें कुरान चूँकि हिदायत की किताब है और हर दौर में हिदायत चाहिए, जो जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं उन हालात में कुरान क्या कह रहा है कोई तो उस तरह कुछ कहे और ख़ासतौर से उलमाए कलाम कहे तो अच्छा है। तो मैं तीनों गुरुओं से गुरु को से ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जहन में लाएँ क्योंकि ये इसके बाद फिर जो है 10 महीने 11 महीने के बाद ही फिर मौका मिलेगा, जितना मौका अभी माहौल बना हुआ है और जो ख़ासतौर से जो मुसलमान मुस्लिम इंडिया में रहते हैं तो उसको तो माहौल बिल्कुल साजगार है, यानी जैसे मक्का मदीना वाले की तो बात आ लेकिन वो मुकम्मल तौर से उसकी हवा उसके पानी उसके चलते फिरते भी लगता है कि हर चीज़ हमारी मदद करना चाह रही है कि हमको समझो और यानी रमजान को भी समझो कुरान को भी समझो सुन्नत को भी समझो हर चीज़ वहाँ मदद के लिए तैयार है। लेकिन कम अज़ कम जो यहाँ हिंदुस्तान में भी दिल्ली में भी मुस्लिम एरिया में जो लोग हैं उनका भी माहौल बहुत साजगार है, उसको कोई रुकावट ऐसी नहीं है कि जो ना कर सके। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बात हमने रखी है अल्लाह उसमें जो खैर का पहलू हो आप लोगों के अल्प के अंदर उतार दे दिमाग के अंदर उतार दे उसकी अमन की तौफीक अता करे। मैं मौलाना से गुजारिश करूँगा कि खासतौर से दुआ अगर इसमें कोई बात ऐसी आ गई हो जो वजाहत गलत है तो उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। बाकी मैं तो वाकया नहीं है समझता हूँ कि लोग कुरान पढ़ते हैं कुरान की पढ़ता है लेकिन जब इंसान के ज्ञान से मुझे कई चीज़ें नहीं मिलती हैं क्या कोई और नहीं पाया कि जो आदमी
जिंदगी में लंबे सफरों के दौरान करते चुके हैं, उसके जरिए उसके पानी तो एक दवा है, उस दवा की मुलाकात मरीज से किस तरह होगी ये खास चीज होती है हमारे समझने की। तो हमारे यहाँ होगी कमी करता हूँ कि दवा प्राणी की दवा तो है लेकिन मरीज के किस मरीज के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए एक अलग मसला। तो डॉक्टर साहब जैसे लोग जिन्होंने दुनिया को भी देखा है, हालात को भी देखा है, बढ़ता है परिवार की पत्नियों को देखते हैं, इनके मुताबिक में हम लोगों के मुताबिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने मरीज को भी देखा है, दवा को भी देखा है, हम लोग सिर्फ दवा को जानते हैं। इसलिए यकीन हमारी टीम की होती है कि दवा को मरीज के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उससे किस तरह फायदा उठाया जाए, ये हम सब के लिए अखिल बात जो डॉक्टर साहब ने करवाई है वो ये कि हम लोग अपने हुकूक को दुनिया के लिए किस तरह से नफावक बना सकते हैं। मौलाना आजाद ने जो 13वें पारे में गया प्राण रहीम में अल्लाह ने फरमाया है कि बारिश बरसती है वामा माया काम ना सकते हम कुछ मिला। मौलाना आजाद कहते हैं पानी बोलने के बजाय माँ बोलने हो या अल्लाह ताला ने फरमाया दो चीज़ इंसानियत के लिए नफावक है वो जमीन में ठहर जाती है। ये एक लंबी ताबीर व्यक्त किया कि उसकी वजह यह है, उसमें एक राग यह है अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि अपना वजूद अगर बरकरार रखना चाहते हो, अपनी हिफाजियत बनाना चाहते हो, अपने आप को दूसरों की मुफीद बनाओ तो तुम्हें बका हासिल हो। और हम जब दूसरे के लिए मुफीद बनने की कोशिश नहीं करते तो हम अपना वजूद खाया करते हैं। इसलिए हम अपने वजूद को जिस तरह से जो आलिम है जो उर्दू के जरिए इस्लामियात की जानता है या माहौल के जरिए जानता है वो इस वक्त के मुल्क के बहरात में जिस तरह के इंसानी को किया जा रहा है, जो उन चीज को दोबारा उन्हें उभारने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए हम किस तरह से वो कर सकते हैं अपने बुजुर्ग का वक्त बनाए। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो सीख पढ़ ली है अल्लाह सरकार Thank you.